हेलो एंड वेलकम टू टेली एक्सप्रेस। दोस्तों, सीरियल अनुपमा में कहानी बढ़ेगी आगे। सीरियल अनुपमा में लीप आने वाला है, लेकिन लीप से पहले सबसे बड़ा ट्विस्ट भी तो आना है। वनराज को सबसे बड़ा झटका देगी खुद उसकी बहन की बेटी यानी कि मीनू। क्या होने वाला है? क्या मीनू करने जा रही है सागर से शादी, या फिर ये होगा वनराज का कोई बुरा सपना? चलिए पूरी खबर हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, आप ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी आप ज़रूर दबा दें। दोस्तों, सीरियल अनुपमा में यहाँ पर मीनू की ज़बरदस्ती शादी करवाना चाह रहा है वनराज, लेकिन उसको नहीं पता कि मीनू अब सबसे बड़ा कदम उठा लेगी। मीनू अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती है। वो एक ऐसे शख्स से शादी नहीं करना चाहती है जिसको वो जानती तक नहीं और जिससे उसके दिल का कोई तार नहीं जुड़ा है। बल्कि मीनू तो यहाँ पर अपने आप जाकर शादी करके आ जाएगी सागर के साथ। जी हाँ, सागर और मीनू की हो जाएगी शादी, दोनों करेंगे शादी। वेल, हम आपको बता दें कि शादी के बाद जब वो घर पर आएंगे तो ऐसे में वनराज और शाह परिवार मीनू को घर से बेदखल कर देगा। लेकिन फिर मीनू जाएगी अनुपमा के आश्रम में, आशा आश्रम में, और वहीं का हिस्सा बनेगी और वहां रहकर वो अपना डॉक्टर का काम करेगी, जिसके बाद कहानी आगे बढ़ेगी। लेकिन आपको बता दें कि जो मीनू की बेटी होगी वो आपको लीप के बाद देखने को मिलेगी और मीनू की बेटी बहुत ही ज़्यादा होनहार होगी। और ऐसे में अनुपमा की बेटी आद्या और मीनू की बेटी की कहानी आपको लीप के बाद देखने को मिलेगी। कितने एक्साइटेड हैं आप, कमेंट्स में आप हमें ज़रूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।